स्टूडेंट टुडे वी विल स्टार्ट आवर रिवीजन इन ज्योग्राफी चैप्टर 7 इंडिया लोकेशन साइज पॉलिटिकल रिलीफ। आवर मदरलैंड इंडिया इज अ कंट्री ऑफ ग्रेट फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि जो हमारी इंडिया हमारा भारत देश है जो हमारी मदरलैंड है मातृभूमि है वे एक ऐसा देश है जिसका जो सांस्कृतिक या कल्चरल रूप से या फिजिकली भौतिक रूप से वहाँ पर बहुत अधिक डाइवर्सिटी है या भिन्नता है। इट हैज़ लॉफ्टी माउंटेन माइटी रिवर्स एक्सटेंसिव प्लेन्स एंड प्लेटूज। इट इज़ कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट। इन्हें सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है बिकॉज इट इज़ अ लार्ज एंड यूनिक ज्योग्राफिकल यूनिट विच स्टैंड्स आउट डिस्टिंक्टली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इन्हें सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक लार्ज और यूनिक ज्योग्राफिकल यूनिट है जो कि एक डिस्टिंक्टिव रेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट एशिया में स्थित है। इंडिया इज रेफर्ड टू एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिकॉज इट इज़ अ ज्योग्राफिकल यूनिट विच इज सेल्फ सफिशियंट इन इट सेल्फ एज इट इज कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय द ग्रेट माउंटेन वॉल ऑफ द हिमालयाज। इंडिया रेफर करता है भारतीय सब कॉन्टिनेंट को जो कि क्योंकि यहाँ का जो ज्योग्राफिकल यूनिट है और इसकी जो सेल्फ सफिशियंट ये अपने आप में कट ऑफ एशिया को द्वारा कट ऑफ की जाती है बाय ग्रेट माउंटेन्स के द्वारा क्योंकि यहाँ पर हिमालयस की जो ग्रेट माउंटेन है वो एक वॉल के रूप में कार्य करता है। इट्स नेबर पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल एंड भूटान आर आल्सो पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये भारत के सब कॉन्टिनेंट के नेबर्स के पार्ट्स हैं। लोकेशन एंड साइज इंडिया लाइज एंटायरली इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑन द रीजन्स ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो इंडिया है लोकेशन और साइज में हम देखते हैं कि जो इसका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो यहाँ पर पूरी भारत में एंटायरली या पूरे भारत में स्थित है। इट इज़ लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन। ये भारत के दक्षिण पार्ट में एशिया के दक्षिण एशिया में इंडियन ओशियन या भारतीय महासागर के एक मुकुट का रूप काम करता है। इट एक मतलब हेड या सिर या एक हेड का वर्क करता है। इट लाइज बिटवीन 8 डिग्री 4 एंड नॉर्थ एंड 37 डिग्री एक्स इज 37 डिग्री 6 एंड लैटिट्यूड एंड बिटवीन 68 डिग्री 7 ई एंड 97 डिग्री 25 ई लॉन्गिट्यूड। इंडिया हैज़ अ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3,200 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। While the east-west extent from Arunachal Pradesh to Kutch is approximately 2,900 km. India shares its borders with Pakistan and Afghanistan in the northwest, China and Nepal in the north, Bhutan in the northeast, Bangladesh and Myanmar in the east and Sri Lanka in the south. ये यहाँ पर ये सब इसकी north, west, east, south में स्थित हैं। The Tropic of Cancer running from east to west divide the country into two halves. जो Tropic of Cancer है इसके middle में east से west तक इसको दो parts में बांटती है। Longitudinally there is a difference of 29 degree between India's easternmost point and the westernmost point. This result in a time difference of about 2 hours between these points. To avoid arising confusion from this, the meridian of 82 degree
east which run through the middle of the country is taken as the Indian standard meridian and the local time on this is adopted as the Indian standard time. Now we start next topic, political division. India is a union of states and union territories. भारत एक संघों का राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है. For administrative convenience, the country is divided into 28 states and 8 union territories. जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भारत को कन्वीनियंट रूप से या सुविधाजनक इसको 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में इसको डिवाइड किया गया है ताकि इसका सुविधापूर्वक इसका इसके ऊपर शासन किया जा सके. मोस्ट ऑफ दीज स्टेट्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द पीपल. ईच स्टेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट. हर एक यहाँ पर जो बेसिक यहाँ की लैंग्वेज है जो लोगों के द्वारा बोली जाती है उसको डिस्ट्रिक्ट्स में के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है. एनसीआर ऑफ द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली इंक्लूड्स टू टाउनशिप ऑफ नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद एंड गुड़गांव. देयर इज द एनसीआर बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट which is responsible for developing the cities around the capital within a radius of 250 km. State which area covered under the national capital region, जो इसके national capital region को covered करते हैं वे city हैं NCT दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश. इनका total square kilometer है 30,02,042 स्क्वायर किलोमीटर. फिजिकल डिवीजन. इंडिया इज अ लैंड ऑफ वेरियड रिलीफ फीचर्स. ब्रॉडली द मेन लैंड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 6 मेन डिवीजन. द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेटू, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड ग्रुप्स. इनको इन 6 पार्ट्स में फिजिकल इसका डिवीजन या इसका भौगोलिक डिवीजन किया गया है. फर्स्टली वी टेक द रॉपिक, द नॉर्दर्न माउंटेन. द एंटायर नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया इज गार्डेड बाय सेवरल लॉफ्टी माउंटेन रेंज विच रन इन द शेप ऑफ एन आर्च. इसकी शेप ऑफ आर्च की तरह इसकी शेप लिए हुए हैं. द नॉर्थ मोस्ट रेंज इज द काराकोरम रेंज विच हैज द वर्ल्ड सेकेंड हाइएस्ट पीक. द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज काराकोरम रेंज विच हैज द वर्ल्ड सेकेंड हाइएस्ट पीक माउंट केटू और गॉडविन आस्टिन. ये इसकी हाइएस्ट पीक हैं. दिस इज 8,611 मीटर हाइट. इसकी 8,611 मीटर तक ये ऊंचा है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है. टू द साउथ ऑफ द काराकोरम रेंज इज लाई द माइटी हिमालयाज विच आर यंग फोल्ड माउंटेन. द टर्म हिमालय इज मेड अप ऑफ टू सिलेबस, हिम एंड आलियाज. हिम मीन्स स्नो एंड आलिया मीन्स अबोर्ड. इट मीन्स बर्फ का घर. द टर्म हिमालयाज मीन अबोर्ड ऑफ स्नो. इट मीन्स बर्फ का घर. मैनी रिवर्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम दीज माउंटेन. बहुत सारी नदियाँ इस माउंटेन से होकर निकलती हैं. द हिमालयस कंसिस्टेड ऑफ 3 पैरेलल रेंज. यहाँ पे हिमालय की 3 पैरेलल रेंजेस हैं. द नॉर्दर्न इज द हिमाद्री और ग्रेटर हिमालय विच कंटेन द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक. साउथ में हिमाचल और लेसर हिमालयस है. दीज आर द होम ऑफ द पार्टी पॉपुलर हिल स्टेशन लाइक शिमला, नैनीताल, डलहौजी, मनाली, अल्मोड़ा एक्सेट्रा. द सर्दर्न मोस्ट रेंज इज कॉल्ड द शिवालिक और द आउटर हिमालयस. तो इसकी दक्षिण में जो रेंज है उसे हम शिवालिक और आउटर हिमालयस के नाम से जानते हैं.